हेलो दोस्तों, मैं हूँ अकरम। हिंदी टेक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को कंप्यूटर या डेस्कटॉप की तरह लुक कैसे दे, कस्टमाइज़ कैसे करें अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को एकदम पीसी की तरह, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। ओके, जिसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको फोटो टाइल चेंजेबल, टास्क बार आइकॉन रिमूवेबल, डेस्कटॉप ऐप फोल्डर, हाइड एप्लीकेशन, डेस्कटॉप आइकॉन रिमूवेबल, इस तरह से आपको मिल जाएंगे। ओके, तो अगर आप नए हो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट साइड पे बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो में नया अपलोड करूँ यूट्यूब पर तो वो सबसे पहले आप देख सको। ओके, तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल में जाके भी देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में कंप्यूटर लॉन्चर आप सर्च करोगे तो ये वाला एप्लीकेशन आएगा जो ब्लू थीम स्टूडियो ने बनाया है। तो इसकी आप देख सकते हो डाउनलोडिंग 1 मिलियन से भी ज़्यादा है और इसकी रेटिंग 4.5 है। मतलब प्ले स्टोर में आपको बहुत सारे जो है एप्लीकेशन मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बेस्ट जो है कंप्यूटर की तरह कस्टमाइज़ करने का तो ये है सबसे बेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्टार्ट मेनू है वो पेड ओनली में आपको मिलेगा। तो उसके लिए लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, आई बटन पे क्लिक करोगे तो या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा कि आपको फ्री में कैसे लेना है किसी भी पेड एप्लीकेशन को। ओके, तो देखिए मैंने ऑन कर दिया है, तो ये आप देख सकते हो एकदम सेम टू सेम कंप्यूटर की तरह लुक है। ये माई पीसी में यूज़र में गया, इसके बाद यहाँ पे देखिए पीसी में जाऊँगा, एकदम आपको लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क सी डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोडिंग का जब डाउनलोड करोगे तो डाउनलोडिंग यहाँ आ जाएगी। यहाँ पे डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, पिक्चर है, तो अलग अलग फोल्डर एकदम पीसी की तरह जो है एकदम कस्टमाइज हो चुका है। तो इसके अंदर आप कॉपी पेस्ट शेयर करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो बड़ी आसानी से, क्योंकि एकदम सेम टू सेम जो है काम करता है। ओके, यहाँ पे देखिए रिसाइकल बिन भी आ गया है। अगर आप किसी भी चीज़ को फोल्ड, किसी भी फोल्डर फाइल या इमेज को डिलीट करते हो तो वो रिसाइकल बिन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट व्हाट्सअप दे दिया है, यूट्यूब आ चुका है यहाँ पे, उसके बाद ये गूगल क्रोम का भी यहाँ पे शॉर्टकट आ चुका है। ओके, तब ये नीचे देखिए, नीचे जो बटन है यहाँ पे, इस पर क्लिक करोगे तो ये साइड में खुल जाएगा एकदम विंडोज़ की तरह, विंडो 10 जैसा होता है। यहाँ नीचे शॉर्टकट दिए गए हैं, एक्सेस कॉर्नर है यहाँ पे अलग अलग, और ये एकदम फील, एकदम डिज़ाइन, इसकी टाइल्स बहुत ही बढ़िया है और काम भी अच्छे से करता है, कोई भी हैंग वैंग नहीं होता और बहुत ही बढ़िया है ये। ओके, तो यहाँ पे देखिए दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ नीचे जैसे पीसी में होता है, यहाँ पे वाईफाई दे दिया है, साउंड ऑन ऑफ करने का, ब्लूटूथ का, बैटरी कितनी परसेंटेज है वो दिया है यहाँ पे नीचे, टाइम भी यहाँ बता रहा है, पूरा एकदम पीसी की तरह, कंप्यूटर की तरह। और यहाँ पे देखिए गूगल क्रोम, ये रिसेंट ऐप है, जो भी आप रिसेंटली ऐप यूज़ करोगे वो ये फोल्डर में आ चुका होगा। यहाँ मैसेज दे दिया है, उसके बाद कॉल, और ये स्टार्ट मेनू जो जिसमें आपको पेड ओनली में आपको मिलता है। तो यहाँ पे सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे, और टाइल्स भी यहाँ पे आपको इमेज चेंजेबल टाइल्स मिल रहे हैं जो बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन है, आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो कोई भी एप्लीकेशन को ढूंढने के लिए, एकदम परफेक्टली जो है ये काम करता है, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। आपको पूरी तरह से आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप विंडोज़ की तरह आप मज़ा ले सकते हो अपने स्मार्टफोन में। तो यहाँ देखिए सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारे आपको सेटिंग मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए सिस्टम सेटिंग में आ चुका है, ये नोटिफिकेशन सेटिंग है, वो नोटिफिकेशन सेटिंग में आपको यहाँ पे एक्सेस पे यहाँ पे टिक करना होगा बॉक्स पे। ओके, और यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको बहुत सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं। इसी एप्लीकेशन में आपको कोई दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑनलाइन जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह से वॉलपेपर सेटिंग करना भी एकदम बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको लेफ्ट पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे देखिए दूसरा जो ऑप्शन है, सो हाई हिडन ऐप लॉक स्क्रीन, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे विंडोज 10 का लॉक स्क्रीन, या गैलेक्सी का आप लेना चाहते हो तो भी। यहाँ पे ऐड विडजेट्स, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टास्क बार, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे जो है लॉन्चर के अलग अलग इफेक्ट आपको मिल जाएंगे, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो है वो एकदम पीसी की तरह है। और ये लास्ट में जो है कलर, कलर भी आप चेंज करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो।
तो यहाँ पे देखिए मैंने विडजेट जो मैंने साइड पे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है विडजेट्स। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है आप ऐड कर सकते हो, बहुत सारा शॉर्टकट यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे आप म्यूज़िक का यहाँ पे ऐड करते हो तो म्यूज़िक जब प्ले करोगे आपको शॉर्टकट में, अगर आपको पोस्ट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो इस तरह से। ओके, रिमूव करने का ऑप्शन ऊपर दिया गया है, आप देख सकते हो, सिर्फ आपको रिमूव पे क्लिक करना है और ये क्लोज कर देना है। फिर से ऐड करने के लिए जैसे आपको कैलेंडर ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर कैलेंडर को जो भी ऐड कर देंगे। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, आप यूज़ करते हो, नीचे लिंक आपको दिया गया होगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दे, अगर पसंद नहीं आया तो क्या कारण है उसका कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।